Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 28th January 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about the significance of election that is to be held in Maldives in this year. This topic is important from our Celibajes paper to international relations point of view. सो so, मालदीव्स के पॉलिटिकल जो इक्वेश हैं वो इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हैं इसको समझने के लिए हमें थोड़ी सी मालदीव की पॉलिटिकल हिस्ट्री को ब्रीफ़ में देखना होगा देखिए मालदीव वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी जस्ट लाइक इंडिया एंड इट गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1965 और तब से ही इंडिया हैज़ मेनटेंड गुड टाइज विथ मालदीव जो अर्लियर वहाँ पर रज़ीम थी वहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे वो थे अब्दुल्ला गायूम and he remained प्रेसिडेंट फॉर अबाउट थ्री decades फ्रॉम 1978 to 2008 टू टू बीच में उनके ऊपर कई सारे एलिगेशंस भी लगे कि वो इलेक्शंस में रिगिंग करते हैं और मतलब बाकी सारे जो पार्टीज हैं उनको फोर्सफुली वो दबा करके अपने पोजिशन को बनाए हुए हैं तो मतलब एक तरीके का डेमोक्रेसी के नाम पर डिक्टेटरशिप रन करने का उनके ऊपर एलिगेशंस लगते रहे बीच में येट ही कंटिन्यूड एज अ फॉर मालदीव फॉर अबाउट थ्री डेकेड्स फ्रॉम 1978 सेवेंटी एट टू टू थाउजेंड आप कह सकते हैं कि मालदीव्स अंडर अब्दुल्ला गायूम कन्वर्टेड फ्रॉम डेमोक्रेसी इन टू काइंड ऑफ ऑटोक्रेसी येट इंडिया मेंटेन्ड गुड टाइज विथ मालदीव कंसिडरिंग द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ मालदीव लेकिन वापस से डेमोक्रेसी रिटर्न इन मालदीव अंडर मोहम्मद नासीद वेन ही बिकेम प्रेसिडेंट इन टू थाउजेंड एट क्योंकि लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए थे अब्दुल्ला गायूम से और वे धीरे धीरे लोगों ने वहाँ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया एंड इन टू थाउजेंड एट पीपल वोटेड हिम आउट दिस्पाइट ऑल हीज एफर्ट्स एंड मोहम्मद नासीर फ्राम मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी केम टू पावर और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी रिटर्न टू मालदीव विथ मोहम्मद नासीर बिकमिंग प्रेसिडेंट और मोहम्मद नासिरद के वक्त भी जब वो प्रेसिडेंट थे 2008 से लेकर के 2012 तक तब भी इंडिया ने मालदीव के साथ अच्छे टाइज मेंटेन किए 2012 के बाद जब मोहम्मद नासीद वॉज फोर्स टू रिज़ाइन एज प्रेसिडेंट उनके ऊपर कई सारे एलिगेशन लगाए गए ऑफ करप्शन एंड ऑल ही वॉज फोर्स टू रिज़ाइन एंड देन अब्दुल्ला यामीन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव अब्दुल्ला यामीन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव फ्रॉम प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव ही वॉज हाफ ब्रदर ऑफ अब्दुल्ला गायूम तो अब्दुल्ला गायूम जो तीन डेकेड तक प्रेसिडेंट थे उनके हाफ ब्रदर अब्दुल्ला यामीन जो हैं ही बिकेम अ प्रेसिडेंट फ्रॉम 2012 थाउजेंड ट्वेल्व ऑनवर्ड्स और दो हजार बारह के बाद से आप देखेंगे अब्दुल्ला यामीन के रजीम में जो मालदीव और इंडिया के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगे और मालडीव स्टार्टेड टू तो डाइवर्ट अवे फ्राम इंडिया एंड स्टार्ट टू डेवलप मोर विथ चाइना मालदीव चाइना के रिलेशन जो है वो एक्सपैंड होने लगे ड्यूरिंग अब्दुल यमीन 2012 में ही जो सबसे पहला वन ऑफ द स्टेप्स दैट अब्दुल्ला यमीन गवर्नमेंट टुक वाज टू कैंसल कैंसिल जी प्रोजेक्ट तो जी इंडिया की एक कंपनी है जिसको मालदीव के अंदर उसका जो आ, कैपिटल सिटी है माले वहाँ का एयरपोर्ट डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था जी को जैसे ही अब्दुल्ला यामीन खेम टू पावर ही कैंसल्ड दिस जी प्रोजेक्ट तो जी को 2011 में ये प्रोजेक्ट मिला था जब मोहम्मद नासीद पावर में थे और अब्दुल्ला यामीन ने ये प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया और इसके बाद से इंडिया और मालदीव के रिलेशंस ख़राब होने लगे इंडिया ने भी जवाब में इट फ्रोज 25 मिलियन डॉलर एड दैट वाज सेट असाइड फॉर मालदीव 2014 का जब इलेक्शन हुआ इंडिया में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वेन ही केम टू द पावर फॉर द फर्स्ट टाइम तो उन्होंने वन ऑफ द अर्लीस्ट इनिशिएटिव लिया टू इनवाइट द वर्ल्ड लीडर्स फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज इन हिज स्वेयरिंग इन सेरेमनी एंड दैट कुड बी सीन एज द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज़ नेबर फर्स्ट पॉलिसी जहाँ पे आप देखिए भूटान या मॉरिशस बांग्लादेश श्रीलंका किरगिस्तान म्यांमार नेपाल थाईलैंड जैसे जो कंट्रीज थे उनके हेड ऑफ़ द स्टेट्स को बुलाया गया इनवाइट किया गया इन इज स्वेयरिंग इन सेरेमनी बट मालदीव वाज निगलेक्टेड तो आप कह सकते हैं कि अब्दुल्ला यामीन के पावर में आने के बाद इंडिया और मालदीव के रिलेशंस खराब होने लगे 2018 में तो मालदीव ने इट आस्ट इंडिया टू टेक बैक इट्स गिफ्टेड हेलीकॉप्टर फ्रॉम आडू अटोल्स तो आडू अटोल एक आईलैंड है मालदीव का और वहाँ पर इंडिया ने दो हेलीकॉप्टर्स डोनियर क्लास हेलीकॉप्टर्स गिफ्ट किए थे मालदीव को फॉर इट्स डिफेंस पर्पस मालदीव वास्ट इंडिया टू टेक बैक इट्स हेलीकॉप्टर्स मतलब आप कह सकते हैं कि इंडिया और मालदीव के रिलेशंस पूरी तरह से ख़राब हो गए अब्दुल्ला यामीन के वक्त अब्दुल्ला यामी जो है वो अपने वक्त में रेडिकलिज्म भी प्रमोट कर रहे थे इस्लाम बेस्ड रेडिकलिज्म पाकिस्तान के साथ प्रॉक्सिमिटी बढ़ गई थी चाइना के साथ जो रिलेशनस है वो काफ़ी डिपेंड हो रहे थे और मालडीव वॉज बिकमिंग वेरी स्ट्रॉग एलाई ऑफ चाइना एंड वॉज प्लेइंग एन इम्पॉटेंट रोल इन चाइना एज स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रिंग ऑफ पल्स के बारे में हम आगे देखेंगे तो मतलब हर तरीके से इंडिया के लिए मालदीव एक आप समझिए एक निगेटिव फैक्टर की तरह इमर्ज हो रहा था बट 2018 सितंबर में इलेक्शंस हुए मालदीव में और उसमें अब्दुल्ला यामीन की पार्टी हार गई और ईबू सोली जो मोहम्मद दसीद के ही पार्टी से थे मालडिवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एम उससे ईबू सोले जीत करके प्रेसिडेंट बने और वापस से इंडिया और मालदीव के रिलेशंस काफी अच्छे हो गए मालदीव जब ईबू प्रधान प्रेसिडेंट बने तो वन ऑफ द अर्लिएस्ट डिसीजन दैट हिट टू कॉश टू स्टार्ट ए पॉलिसी जिसका नाम था इंडिया फर्स्ट पॉलिसी और ईबू सोले पूरी तरह से प्रो इंडिया अप्रोच लेने लगे तो आप कह सकते हैं कि ईबू सोले के रिटर्न के बाद से इंडिया मालदीव के रिलेशन वापस से नॉर्मलाइज हो गए एंड सिंस देन इंडिया और मालदीव के रिलेशन स्ट्रॉन्ग हुए और मालदीव हैज हैजबिन स्लोली ड्रिफ्टिंग अवे अगेन फ्रॉम चाइना विच बिकेम कम्प्लीटली प्रो चाइना ड्यूरिंग अब्दुल्ला यामीन तो अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री देखी जाए तो अब्दुल गायूंग से लेकर के मोहम्मद नासिर तक इंडिया और मालदीव के रिलेशन अच्छे थे लेकिन अब्दुल्ला यामीन का जो वक्त था दो से अट्ठारह तक का वहां पर इंडिया और मालदीव के रिलेशन खराब हुए अब अट्ठारह से लेकर के तेईस तक तो रिलेशन अच्छे चले हैं लेकिन अब सितंबर 2023 में वापस से इलेक्शन होगा और ईबू सोले या उनकी पार्टी दोबारा जीत जाती है देन इट इज गोइंग टू बी गुड फॉर इंडिया बट इफ ही लूजेज एंड इफ पीपीएम प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव अगेन कम्स टू पावर अब्दुल्लामी अगेन कम्स टू पावर देन इट विल भी हेडेक फॉर इंडिया बिकॉज अगेन मालदीव विल ड्रिफ्ट इन फेवर ऑफ चाइना एंड दैट विल कॉज सम चैलेंजेस फॉर इंडिया और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चूंकि इस साल मालदीव में इलेक्शन है तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब हैज बिन विजिटिंग नाउ मालदीव क्योंकि इस साल मालदीव में है इलेक्शन नौ सेप्टेंबर को इलेक्शन होगा तो मालदीव के साथ इस साल हमें अच्छे संबंध को बनाए रखना है देखिए एक और बात समझिए ईबू सोले के टाइम में ये हैं ईबू सोले। जब ये प्रेसिडेंट हैं अभी तक तो यही हैं 2018 से लेकर के 23 तक इनके वक्त मालदीव इतना ज़्यादा प्रो इंडिया होने लगा और इतने सारे पॉलिसीज़ इंडिया के फेवर में लेने लगे एक इनिशिएटिव भी लिया इन्होंने आपको मैंने बताया इंडिया फर्स्ट पॉलिसी कि कुछ लोग वहाँ के लोकल लोग तो प्रेसिडेंट से या उनकी पार्टी से ही नाराज़ हो गए कि वाई आर यू बिकमिंग सो मच प्रो इंडिया एंड अ मूवमेंट स्टार्टेड इन मालदीव लास्ट ईयर जिसका नाम था इंडिया आउट कैंपेन तो कुछ लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ या जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो लोगों को भड़का रहे हैं कि द करेंट गवर्नमेंट इज़ टेकिंग टू मच साइड विथ इंडिया नेग्लेक्टिंग द नेशनल इंटरेस्ट दैट इज बाई ए कैंपेन ऑल्सो स्टार्टेड लास्ट ईयर इंडिया आउट कैंपेन ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ईबू सोले जी के वक्त इंडिया और मालडीव के रिलेशन काफी अच्छे रहें बट दिस ईयर इट इज गोइंग टू ब टर्निंग पॉइंट अगेन वी वील हैव टू सी हाउ थिंग्स पैन आउट इन द कमिंग मंथ्स तो कंसिडरिंग द इलेक्शन ईयर इंडिया ने कई सारे इनिशिएटिवस लिए हैं मालदीव को लेकर के ले इस मौजूदा विजिट में एस जयशंकर साहब के विजिट में कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए गए हैं For example, India has handed over two sea ambulance to Maldives. Groundbreaking ceremony of an international airport to be developed by India at Hani Madhu. Grant assistance of hundred million rupiah rupiah is the currency of Maldives. to grant assistance of hundred million rupiah for high impact community development program, a project scheme that is started by India and Maldives. An academic collaboration between Maldives. नेशनल यूनिवर्सिटी एंड कोची यूनिवर्सिटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो इंडिया अलग अलग स्टेप्स ले रहा है मालदीव के साथ अपने संबंध को अच्छे बनाए रखने के लिए कि इन केस अगर ईबू सोलह की पार्टी वापस से जीत करके नहीं आती है उस केस में भी इंडिया और मालदीव के रिलेशन ख़राब ना हो अभी मालदीव को हम इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ मालदीव्स फॉर इंडिया वो भी जरा देख लेते हैं छोटा सा देश है आइलैंड कंट्री है येट इट होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस और इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन ये जहां लोकेटेड है आप देखिए इंडियन ओशन के अंदर इट इज़ बियरली सेवेंटी नोटिकल माइल्स अवे फ्राम मीनिकोय आईलैंड और ओवरऑल अगर वेस्टर्न कोस्ट से बात की जाए तो इट इज़ हार्डली थ्री हंड्रेड नाटिकल माइल्स अवे अब दिक्कत क्या है अगर मालदीव कंप्लीटली प्रो चाइना हो जाता है और सपोज कीजिए कि चाइनीज नेवल शिप्स मालदीव के किसी भी पोर्ट पे आकर के डॉक करते हैं तो दैट विल क्रिएट एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर इंडिया परमानेंट थ्रेट फॉर इंडिया इंडिया ऐसे हालात नहीं होने देना चाहेगा उसके अलावा जैसे अब्दुल्ला यमीन के वक्त मालदीव पूरी तरह से प्रो पाकिस्तान या प्रो चाइना हो गया था और मालदीव के अंदर फिर रेडिकल इस्लामिज़म जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था मैनी यूथ फ्रॉम मालदीव दे पार्टिसिपेटेड इन रेडिकल इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन लाइक इस्लामिक स्टेट ड्यूरिंग अब्दुल्ला यामीन टाइम तो अगर मालदीव के अंदर रेडिकल इस्लामिज़म फैलता है तो दैट इज़ हाउ मालदीव कुड बिकम अ सिक्योरिटी थ्रेट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया जो इंडिया कभी नहीं चाहेगा इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ हैविंग पीस इन इंडियन ओशन स्टार्टेड कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इन 2011 थाउजेंड एलेवन दट वॉज ए ट्राई लेटरल मेरी टाइम सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इंक्लूडिंग इंडिया श्रीलंका एंड मालदीव तो इस तरह के कॉन्क्लेवस कंटिन्यू रहे इंडिया और श्रीलंका और मालदीव के जो मैरी टाइम कोलेबरेशन है वो बने रहे इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए और इन सब चीज़ों को कंटिन्यू करने के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि इंडिया और मालदीव के रिलेशन अच्छे बने रहें चाइना एंगल तो है ही है यू सी देर इज़ अ नो इट्स एन आइडिया ऑफ कोर्स चाइना हैज़ नॉट ओपनली एक्सेप्टेड इट एवर कि चाइना इज बिल्डिंग ए सीरीज ऑफ पोर्ट्स अलोंग इंडियन कोस्ट जैसे आप देखिए म्यांमार के अंदर उसने क्याफाउ पोर्ट बनाया है बांग्लादेश के अंदर उसने चिटगाग पोर्ट को डेवलप किया है श्रीलंका के अंदर उसने हम्बन तोता पोर्ट को डेवलप किया है मालदीव के अंदर उसने माले पोर्ट को डेवलप किया है और पाकिस्तान के अंदर ग्वादार पोर्ट को डेवलप किया है और सीरीज ऑफ पोर्ट्स बिंग डेवलप्ड अलॉन्ग द इंडियन कोस्ट जिसको सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इट इज़ एन अटेम्प्ट बाई चाइना टू इन सर्कल इंडिया और जिसको नाम दिया गया स्ट्रिंग ऑफ पल्स तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स में एक पल्स तो मालदीव के अंदर भी है माले पोर्ट एंड इफ ईबू सोलेह पार्टी गोज आउट ऑफ पावर देन माले कैन बिकम अ स्ट्रोंगर स्ट्रिंग ऑफ पल्स और स्ट्रांगर पल्स इन ओवरऑल स्ट्रिंग ऑफ पल्स ऑफ चाइना एंड दैट कुड बी अ हेडेक फॉर इंडिया बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू द कोस्ट ऑफ इंडिया जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट तो है ही है, जैसे कि वी वॉन्ट अगर मालदीव के साथ हमारा अच्छे संबंध है, तो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन मतलब ये जो ट्रेड लाइन्स हैं सी के जो ट्रेड रूट्स हैं दे विल रिमेन इंडिपेंडेंट एंड देर वॉन्ट बी एनी थ्रेट वी वॉन्ट कि इंडियन ओशन में कोई भी ऐसा कंट्री या आइलैंड ना हो जिसके साथ हमारे संबंध खराब हो बिकॉज वी डोंट वॉन्ट एनी एंटी इंडिया कंट्री इन इंडियन ओसन बिकॉज वी वॉन्ट कि इंडियन नेवी रिमेन्स द मोस्ट पावरफुल नेवी इन द इंडियन ओशन वी वॉन्ट इंडियन ओशन टू रिमेन बैकयार्ड ऑफ इंडियन नेवी लेकिन अगर सपोज कीजिए कि कोई भी देश एंटी इंडिया स्टैंड लेता है मालदीव फॉर एग्जाम्पल तो इट विल इन्वाइट चाइनीज नेवी ऑल्सो टू इट्स पोर्ट

इस्लामिक रेडिकलाइजन वॉज प्रोस्पेरिंग इन मालडीव एंड दैट लीड टू सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया बिकॉज मालडीव कुड एक्ट लाइक ए पॉसिबल ग्राउंड फॉर लॉन्चिंग एनी टेरर अटैक अगेंस्ट इंडिया मालदीव कितना नज़दीक है इंडियन कोस्ट से तो यहाँ पे अगर रेडिकलज्म फैलेगा तो इंडिया के ऊपर कोई भी इस्लाम बेस्ड रेडिकल टेरर अटैक होने का खतरा हमेशा ही बना रहता है इस टॉपिक के बेसिस प्रेम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज इम दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम एंड दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर पत्री इंडियन इकॉमी पॉइंट ऑफ व्यू देखिए ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम है क्या तो इस इमेज की मदद से समझेंगे मान लीजिए कि कोई भी सामान हमने इम्पोर्ट किया अपने देश के अंदर तो इम्पोर्ट करने पर अपनी सरकार को इम्पोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है लेकिन अगर इस इम्पोर्टेड आइटम को इस्तेमाल नहीं किया गया मीन्स इफ दिस आइटम रिमेन्स अनयूज और इफ़ दिस आइटम इज़ यूज टू मेक सम अदर प्रोडक्ट विच इज़ अल्टीमेटली एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया तो हमने कोई सामान इम्पोर्ट किया और उसको यूज नहीं किया या उस सामान को वापस से हमने प्रोसेस करके किया किसी और फॉर्म में एक्सपोर्ट कर दिया इंडिया से बाहर तो इम्पोर्ट करते वक्त जो हमने इम्पोर्ट ड्यूटी भरा था ना वो इंपोर्ट ड्यूटी हमें वापस मिल जाएगा और यही प्रोविजन है अंडर ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम यानी कि अगर आपने कोई सामान इंपोर्ट किया और उस सामान को अगर आपने यूज नहीं किया या फिर आपने उस सामान को वापस से इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर दिया देन इन दैट केस द एक्सपोर्टर विल बी गिवन अ रिफंड ऑफ द इंपोर्ट ड्यूटी दैट ही हैज पेड वाइल इंपोर्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट क्लेम फॉर सच इंपोर्ट ड्यूटी मस्ट बी लॉजड विदिन फोर ईयर्स तो अगर आज आपने इम्पोर्ट किया है दो हज़ार तेईस में तो दो हज़ार सत्ताईस से पहले पहले आप क्लेम कर दीजिए कि ये प्रोडक्ट को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया वापस या फिर मैंने इसको यूज नहीं किया एंड देन ओनली आपको रिफंड मिलेगा ये जो स्कीम है ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय डायरेक्टरेट ऑफ ड्रॉबैक अलग अलग तरह के जो ड्यूटीज़ हैं जैसे कि एक्साइज ड्यूटी कस्टम ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी वह सब रिफंड में मिल जाता है अंडर ड्यूटी, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम लेकिन GST GST के अंदर आपको पता होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट कि अगर कोई भी इंटरमीडियरी है उसने पहले से कोई टैक्स भर दिया है तो उसको उसके इनपुट टैक्स पर क्रेडिट मिल जाता है तो GST वाला क्रेडिट आप नहीं ले सकते अगर आपने सामान को वापस से इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर दिया है तो जी का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको आई होप बेसिक इकोनॉमी में आपने पढ़ रखा होगा तो या तो आप ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपने सामान को वापस इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट किया है तो जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम नहीं कर सकते तो आइदर यू हैव सोल्ड इट टू समन एल्स इन दैट केस यू क्लेम जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट और यू हैव एक्सपोर्टेड इट आउट ऑफ इंडिया इन दैट केस यू क्लेम ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम बट करेंट न्यूज ये निकल करके आ रही है कि कई सारे एक्सपोर्टर्स हैं पारल सेक्टर के ड्रग्स या लेदर सेक्टर के जो इलीगल तरीके से दोनों ही बेनिफिट ले रहे थे जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले रहे थे और ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम भी उससे भी ड्यूटी रिफंड ले रहे थे नाउ जीएसटी विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट देम इस टॉपिक के बेसिस पे फिल्म प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज ए दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्ट अबाउट यंगज ए फिनलेस पॉल टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर मार सिलेबस जीएसपे थ्री इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले यांगजे रिवर के बारे में समझते हैं इट इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया इनफैक्ट ये दुनिया का तीसरा सबसे लंबा रिवर है थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड एंड इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर टू फ्लो इंटायरली इन वन कंट्री किसी सिर्फ एक देश में बहने वाला यह सबसे लंबा नदी है इट फ्लोज इंटायरली इन चाइना इट स्टार्ट इन द नदन तिब्बत प्लेटू एंड फ्लोज इन टू ईस्ट चाइना इसकी लेंथ लगभग 6,300 किलोमीटर है दैट मेक्स इट थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड ओनली आफ्टर नाइन रिवर विच इज़ 6,650 किलोमीटर और सेकेंड नंबर पे आता है एमेजन विच इज़ समवेयर क्लोज टू 6,400 किलोमीटर लॉन्ग इंडस रिवर की बात की जाए जो हमारे देश की सबसे लंबी नदी है इंडिया की उसका लेंथ लगभग तीन किलोमीटर के आसपास है यांगजे रिवर न्यूज में क्यों है क्योंकि यांगजे रिवर के अंदर एक स्पेशल तरीके के मरीन एनिमल मिलते हैं यांगजे फिनलेस पॉर्पोइ इस तरह के होते और यांगजे फिनलेस दे हैव बीन इन न्यूज रिसेंटली बिकॉज देयर पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग एट ए वेरी फास्टर पेस और इस कारण से यांगजे finless porpoise have been now categorized as critically endangered species by IUCN. This Yangtze finless porpoise, their home is the Yangtze River and their population is declining at a very fast pace. This Yangtze finless porpoise ki ye. They are known for their mischievous smile. They are also very intelligent, almost as intelligent as gorilla and they are indicator of health of a river system. तो मोर पॉपुलेशन और हाईर पॉपुलेशन ऑफ यांगजे फिनलेस पॉर्पोयज इंडिकेटेड कि यांगजे रिवर इज हेल्दी बट अभी जब उनका पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन हो रहा है दैट इज इंडिकेटिंग कि देयर इज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हैपनिंग इन यांगजे रिवर कॉजिंग डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ यांगजे फिनलेस पॉर्पोइ द नेक्स्ट शर्ट इज अबाउट नीलमोनी फुकान जी ज्ञान पीठ अवॉर्डी नीलमोनी फुकान पासिस अवे इस टॉपिक इंपॉर्टेंट फॉर आर सिलेबस जी एस पी प्रोफाइव यूज पॉइंट ऑफ व्यू इसी साल नीलमली फुकान जी को ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था 66th सिक्स एम सो सॉरी 56th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था नीलमली फुकान जी को तो ज्ञानपीठ अवार्ड इट इज हाईएस्ट लिटररी अवार्ड ऑफ आवर कंट्री इट इज गिवेन इन एनी वन ऑफ द ट्वेंटी टू लैंग्वेजेस आइडेंटिफाइड बाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज स्पॉन्सर्ड बाई अ कल्चरल ऑर्गनाइजेशन जिसका नाम है भारतीय ज्ञानपीठ इसको 1961 में इंस्टीट्यूट किया गया था बट द फर्स्ट अवार्ड वाज गिवन इन 1965 इसमें क्या इसमें अवार्ड 11 लाख का दिया जाता है साइटेशन एंड ब्रोंज रेप्लिका ऑफ वाघ देवी दैट इज सरस्वती गॉडेस ऑफ लर्निंग इज गिवन तो इसी साल मिला था इसी साल फिफ्टी और फिफ्टी सेवन्थ ज्ञानपीठ अवार्ड दोनों ही दिए गए थे तो फिफ्टी सिक्स ज्ञानपीठ अवार्ड निर्मणि फुकान जी को मिला था ही नाउ एक्सपायर्ड इस साल से मेरा मतलब है 2023 नहीं 2022 लास्ट ईयर मिला था मतलब अगर ज्ञानपीठ अवार्ड की बात की जाए हमारे स्टेट आसाम से जो पहले ज्ञानपीठ अवार्ड रेसिपी थे या रेसिपिएंट थे वो थे बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य जी ही गॉट इट इन 1980 एटी फॉर हिज नोवल मृत्युंजय फर्स्ट एसेमीज वुमेन टू ज्ञान टू विन ज्ञानपीठ अवार्ड इज इंदिरा गोस्वामी इस, इस टॉपिक के विशेष प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज एम दिस क्वेश्चन आंसर इन द कमेंट सेक्शन कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एसर रिपोर्ट इज पब्लिश बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दिस इज रॉन्ग इट इज पब्लिड बाय प्रथम एन जी ओ आसर गिवस अ हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेटस ऑफ एजुकेशन फ्रॉम स्कूल लेवल टू हायर एजुकेशन अगेन दिस इज रॉन्ग हायर एजुकेशन का उसमें स्टेटस नहीं होता सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी एंड टर्म ब्लैक बॉक्स को मोस्ट अप्रोप्रिएटली तो यही ऑप्शन इंडिकेट करता ऑप्शन सी मोस्ट अप्रोप्रिएटली तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर सिस्टम Yeah. That's all from our side for today. Thanks for watching.